नमस्कार, दा पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन्होंने ट्वेल्थ पास कर लिए है या ग्रेजुएशन कर ली है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं लाइब्रेरियन कोर्स के संबंध में, जो कि आपके ट्वेल्थ पास स्टूडेंट और ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए अलग अलग इसमें कोर्स रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लाइब्रेरियन की वर्तमान में बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती आती है, जिसमें आपके अच्छी खासी सैलरी भी रहती है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपके 30,000 से लेकर 80,000 रुपये तक आपको इसमें सैलरी दी जाती है। अवधि की बात करें तो इसमें आपके 6 से 1 साल का अवधि में ही आपके ये कोर्स हो जाते हैं। तो इन कोर्सों के बारे में डिटेल से जानकारी के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, जो कि आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी आपको दी जाएगी। सबसे पहले बात करें इनमें कोर्स की डिटेल की। ट्वेल्थ पास स्टूडेंट की बात करें तो जो कि एनी स्ट्रीम यानी कि वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी से भी उन्होंने ट्वेल्थ की है या 50% के साथ में, तो इनके लिए सबसे पहला कोर्स या सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें कहते हैं कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरियन साइंस, जिसे CLIS कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 से 1 साल के लिए आपकी ये इसमें रहता है। और फीस की बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये आपके इसमें फीस रहती है। फीस आपको मैं बता रहा हूँ, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रहती है। मिनिमम आपके 3,000 रुपये रहती है और मैक्सिमम आपके 4,000 रुपये में ये आपके सर्टिफिकेट हो जाता है। इस सर्टिफिकेट को करने के बाद में आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट में आपके योग्य रहते हो भर्ती के लिए, वो वीडियो के आगे आपको बताया जाएगा। साथ में इन कोर्सों के साथ में आपको सैलरी भी कितनी मिलती है वो भी आपको इस वीडियो के आगे बताया जाएगा। अगले बात करें डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस, जिसे हम DLIS कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 साल के अंदर आपका ये कोर्स हो जाएगा। और इसमें भी फीस की बात करें तो 4,000 रुपये में आपका ये कोर्स या डिप्लोमा हो जाएगा। ये थी ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए, ये 2 सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हैं, ये आप कर सकते हो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट। अगली बात करें ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए, जो कि आपके एनी स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स या आर्ट किसी से भी उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% के साथ में, तो इसमें आपके सबसे पहला है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में आपकी ये कोर्स BLS रहता है। ये भी 1 साल की अवधि का रहता है, 1 साल के अंदर आप इसको कर सकते हो। और फीस की बात करें तो इसमें 8,000 रुपये के समथिंग आपके इसमें फीस रहती है। ये थी ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। अगली बात करें इसमें आपके MLIS, जो कि जो बैचलर डिग्री है, जो BLIS में बैचलर डिग्री कर लेते हैं वो स्टूडेंट MLIS करते हैं, जिसे मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल की अवधि में आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसमें फीस की बात करें तो आपके 9,000 फीस रखी गई है। इस प्रकार से आपके ये 4 प्रकार के अलग अलग कोर्सेज हैं जो लाइब्रेरियन के लिए होते हैं। ये योग्यता भी मैंने बता दी है कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है इन कोर्सेज को करने के लिए। जिस कैटेगरी में आप रहते हो उसमें आप अपना कोर्स कर सकते हो। फीस के बारे में बात कर दी है, आगे मैं बताऊंगा कि इसमें करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटी कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहती है। तो सबसे पहले स्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग है, जैसे कि राजस्थान है, BR है, UP है, हर डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट होता है। उनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके लाइब्रेरियन की भर्ती आती रहती है, जिसमें 1st ग्रेड 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड सब लेवल की आपकी ये भर्ती आती रहती है। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें KVS है, जो भी आपके लाइब्रेरियन की भर्तियाँ निकालता है, जैसे NVS है, जो नवोदय विद्यालय समिति है, वो भी आपके अलग अलग लाइब्रेरियन की डिपार्टमेंट में भर्ती निकालता रहता है। उसके बाद में DSSS है, जो कि आपके दिल्ली जो सिलेक्शन बोर्ड है वो भी आपके भर्तियां निकालता रहता है। इसके बाद में DRDO में भी आपके लाइब्रेरियन की भर्ती निकलती है। सैलरी की बात करें अब तो सबसे पहले 3rd ग्रेड है, जो कि 12th पास स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करते हैं इसमें वो क्वालिफाई रहते हैं। साथ में अगर उन्होंने BLIS कर रखा है, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट या MLIS, तो वो भी इसमें योग्य रहते हैं, यानी कि सभी डिग्री और डिप्लोमा है वो इसके लिए योग्य रहते हैं 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए। सैलरी की बात करें तो इसमें 30,000 से 40,000 रुपये आपको सैलरी दी जाती है, यानी कि अच्छी खासी आपको सैलरी दी जाती है। अब 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें आपके BLIS कर रहा होगा या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में DLIS जो कि आपके 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है वह आपने अगर कर रखी है, तो 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए आप योग्य होते हो। इसमें सैलरी की बात करें तो आपके 45 से 60,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाती है। अब 1st ग्रेड लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें आपके क्वालिफिकेशन रखा है MLIS, जो कि आपके मास्टर लेवल का होता है, वो आपको मैंने बता दिया है। इसमें सैलरी है आपके 60 से 80,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है, यानी कि मिनिमम 30,000 रुपये और मैक्सिमम अगर आपने MLIS कर रखा है तो 80,000 रुपये तक आपको सैलरी इस कोर्स में करने के बाद में आपको मिलती है। अब कोर्स इसको कहाँ से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपके ओपन यूनिवर्सिटी 2 है, जिसमें आपकी VMO और IGNOU है, जो कि आपको घर बैठे ही इन कोर्सेज को करवाती है, जो आपके 1 साल से रहता है और 6 महीने से मिनिमम आपको रहता है, मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों ओपन यूनिवर्सिटी में आपके वर्ष में 2 बार आपको फॉर्म भरवाया जाता है।
एक तो जुलाई और दिसंबर सेशन में, उसमें आप एडमिशन लेके अपना इस कोर्स को कर सकती हो, घर बैठे ही कर सकती हो। अगर आप रेगुलर मोड में करना चाहते हो तो अलग अलग राज्यों में कुछ कॉलेज हैं जो रेगुलर मोड में भी इस कोर्स को करवाती है, वहाँ पर भी आप रेगुलर जाके भी इस कोर्स को कर सकती हो। इन कोर्स को करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है। अब वर्तमान में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग भर्तियाँ आती है और अभी भी आने वाली है। हर डिपार्टमेंट में आपके 600 से 700 से 1000 पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट आपके भर्ती आएगी, तो अच्छा खासा आपके पास में इसमें मौका है। इस कोर्स को करने के बाद में आप नौकरी जल्दी ही पा सकते हो। ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और लाइब्रेरियन से संबंधित किसी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर डिटेल वहाँ पर आपको मिलती रहे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।